नमस्कार साथियों, उपकरण परिचय के क्रम में इस भाग में हम तीन प्रकार के डिवाइस लेके आए हैं। फर्स्ट, जो सामान्यतया क्रिकेट बॉल, यह प्लास्टिक की एक मजबूत बॉल होती है जिसके अंदर कुछ गोटियां भरी होती हैं और इसको चलाने पर या एक स्थान से दूसरे स्थान फेंकने पर इस तरीके की आवाज निकलती है, जिससे दृष्टिबाधित जन जब बॉल देता है अर्थात बैट बॉल खेला जब जाता है तो इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर ये आवाज आती रहती है और दृष्टिबाधित जन इस आवाज को सुन करके इसके पास में जाकर इसको पकड़ लेते हैं। इसी के दूसरे क्रम में खेल में ही प्रयुक्त अगर हम देखें प्लेइंग कार्ड, मनोरंजन के लिए दृष्टिबाधित जन प्लेइंग कार्ड का प्रयोग करते हैं। आप लोगों के घरों में या हम लोगों के घरों में या आप लोगों के द्वारा या और बड़े लोगों के द्वारा सामान्यतया ऐसे ही प्लेइंग कार्ड का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः बस ऐसे ही प्लेइंग कार्ड का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या किया गया है, कोई और अधिक मॉडिफिकेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर ब्रेल से डॉट्स उभार दिए गए हैं। आप देख पा रहे होंगे ये डॉट्स लगाकर 1, 2, 3, 4 की डॉट्स ऐसे बनाते हुए चले गए। एक विशेष प्रकार की डॉट्स उभार करके इनके ये प्लेइंग कार्ड के स्वरूप में पहचान चिन्ह बना दिया गया है सिर्फ कॉर्नर पर, जिससे कोई भी दृष्टिबाधित जन आसानी के साथ इसको पहचान सके और अपने खेल में इसका उपयोग करें। थोड़ा सा यहाँ मैं आपको बता दूं कि इसमें एक अंतर भी है, उसको थोड़ा सा आप ध्यान रखें। पान के लिए या ईंट की एक्की के लिए देखिए इस तरीके का स्वरूप बना हुआ है, और फिर अगर हम ईंट की तरफ से आगे चिड़िया की चले तो ये इस तरीके का स्वरूप बना हुआ है। चिड़िया से जब हम कुछ आगे बढ़ते हैं पान की तरफ चलते हैं तो इस तरीके का स्वरूप बना हुआ है। पान से जब हम आगे चलते हैं हुकुम तो इस तरीके का स्वरूप बना हुआ है। आप इसको देख पा रहे हैं डॉट्स उभरे हुए हैं, तो ये चारों में विभेद करता है। और फिर इस तरीके का डॉट्स 1, इस तरीके का डॉट्स 2, इस तरीके का डॉट्स 3, इस तरीके से करके यह स्वरूप रहता है, जिससे कोई भी दृष्टिबाधित जन यह समझ जाता है कि उसके हाथ में पान का पत्ता है, ईंट का पत्ता है, चिड़िया का पत्ता है या कौन सा पत्ता उसने अपने पास में रख रखा है। अब उसमें डॉट्स बने हैं 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, आसानी के साथ उसे या गुल्ला के लिए जी का, जो भी हो, जैसे भी खेला जाता हो उस तरीके से इसका प्रयोग इसमें आसानी के साथ किया जा रहा है। अब इसी के तीसरे क्रम में मेजरिंग टेप देखते हैं। कोई भी दृष्टिबाधित जन जब कहीं पे टेलरिंग का काम करते हैं या नाप जोख का कोई काम करते हैं तो सामान्य मेजरिंग टेप में, आप जरा इसको निकट से दिखाइएगा, तो यहाँ पे स्टेपलर लगा देते हैं 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर, 7 पर, 8 पर, 9 पर और ऐसे ऐसे करके मेजरिंग टेप के लास्ट तक। सबको मालूम होता है मेजरिंग टेप पे जब हम जाते हैं 5 फुट का मेजरिंग टेप है तो यहाँ पे ये देखिए 57 तक आ करके और यहाँ 60 तक होने के लिए पूरी तरीके से, अब यहाँ से 1 से हम जब शुरू करते हैं तो 3 तक तो यहाँ हो जाता है। अब कोई भी दृष्टिबाधित जन आसानी के साथ, बड़े ही आसानी के साथ इससे नाप सकता है और बता सकता है कि कितने इंच का है, कितने सेंटीमीटर का है। बस और बस उसको एक बार हमें आपको प्रशिक्षण में यह सिखा देना है कि यह जो इसमें स्टेपलर लगा है वह कितने सेंटीमीटर पर अथवा कितने इंच पर लगा हुआ है। तो आशा है आपको यह समझ में आया होगा। कोई कमेंट हो तो हमें अवश्य करके बताएं। धन्यवाद।